राधा राधा, ओ अरे आ गया। माही कहाँ है? माही है अपने कमरे में होगी। कमरे में? कुछ काम था? क्या हाँ, काम था मुझे। चलो, काम था? मैं खुद देख लूंगा उसको, खुद से बात कर लूंगा। ठीक है, टिप्पा से क्या है? कुछ छुपा क्यों रहे हैं मुझसे? देखती हूँ कि माही क्या कर रही है मेरी बिटरानी? अरे पिताजी आ गए आप। हाँ, मैं आ गया। और अच्छा तुम्हारा आज सब, बड़े खुश लग रहे हैं आप। आंखें बंद करो। मैं हाँ, हाथ लाओ आगे अपने। ये तुम्हारा गिफ्ट। हाँ, देखो, खोल के देखो कैसा है। अभी देखती हूँ पापा। ये रख दूँ ना? हाँ, रख दो। ओप्पो को है ना? हाँ, मुझे नहीं पता, ये मार्केट में जो अच्छा फोन था मैं वो लेके आया हूँ। मुझे तो पता नहीं था फोन के बारे में, जो अच्छा लगा वो ले आया मैं तुम्हारे लिए। अरे वाह। अरे लो, ये मुझे दो, खोलो जल्दी। देखो कितना अच्छा वाह फोन है। डैडी, कितना प्यारा फोन है। पर ये डैडी महंगा बहुत होगा ना? अरे कुछ महंगा नहीं है, बस 40,000 रुपया। तू क्यों चिंता करती है? तेरा ओ 40,000? तुम 40,000 का फोन बच्चों को ला? किसके लिए? अरे इसके लिए लेके आया हूं मैं, अरे तो 40 का नहीं है। आप मेरे से झूठ मत बोलो। इसका मैंने ऐड भी देखा है, ओप्पो का ये न्यू फोन लॉन्च हुआ है, 40,000 समथिंग का ही है। आप अरे बोल नहीं रहे हो है, मेरे से तुमने नहीं है ऐसा? कहाँ देख लिया? ये बताओ कहाँ देख लिया तुमने? कहीं भी नहीं है। 4,000 रुपए का फोन है मार्केट में, बता अपनी माँ को। अब वैसे आप ये कहते हो कि बच्चे ऐसे डिमांड कर रहे हैं। रवि कितने दिन से मेरे से बाइक के लिए बोल रहा है। अब उसको पता चलेगा कि इसको फोन दिला दिया तो वो भी तो मांगेगा, वो भी तो तो बच्चा है। फिर ये भी तो मुझे चाहिए था, मैं ऑनलाइन पढ़ाई तू करती चुप हूँ। कर, मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। माही, तू तो एक काम कर बेटा, तू तो ये ले जा। तेरी माँ की तो किटकिट ऐसी चलती रहेगी, मैं इससे बात करता हूँ। जी जी तू जा। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाह रही हो आप तुम। एक बात बताओ, मैंने उसके लिए, लड़के के लिए बाइक के लिए बोला, अगर दुलवा भी देते तो घर में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, मार्केट जाना है, कभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकती हूँ तो घर में काम आने की चीज। और ये फोन से तो ये लड़की बिगड़ जाएगी। पता, बिगड़ लड़कियों जाएगी? को फोन नहीं देना चाहिए ज्यादा। पागल हो गए क्या तुम? ऐसा है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है और उसने मुझे मुझे बोला, समझे? और उसकी पढ़ाई के लिए उसे मैंने फोन ला के दिए थे। अरे क्या कर दिया मैंने? कोई गुनाह कर दिया उसके अरे लिए? गुनाह नहीं कर दिया, बच्चे दोनों बराबर होते हैं। जब बेटी के लिए कर रहे हो तो बेटा भी कोई वो नहीं ऐसा है, ये है राधा, बताओ। मेरी बात सुनो। माही पढ़ाई करेगी इस फोन से और तुम्हारा बेटा गाड़ी से अय्याशियां करेगा। आप 24 घंटा देखोगे उसे कि वो पढ़ाई करेगी? क्या? हाँ, पढ़ाई करेगी वो, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है अपनी बेटी पे। ये तुम सोचती हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये फालतू ये फितुल जो चलते रहते हैं ना, कि ये हुआ वो हुआ, ये ना चल अपने दिमाग में ज्यादा चलाया करो मत। और हाँ, मैं उसके लिए लेके आया हूँ ना, ये मेरी खुशी है। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर उसे पता चलेगा वो आएगा तो फिर 2-4 दिन फिर खाना नहीं खाएगा, सारा अरे सुना ना देगा खाए, वो कोई कह दिक्कत नहीं देगा है। बेटा। खाना खाना, तुमने उसे खाने को लेके इतनी बड़ी टेंशन पाल रखी है। अरे नहीं खाएगा तो भाड़ में जाए। कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसे पिता हो? एक ऐसा तरफ तो एक बच्चे की इतनी चिंता और एक तरफ बेटे से इस तरीके से। अरे कल को वही तो तुम्हारा सहारा बनेगा, हाथ अगर मैं उसको 2 लाख रुपए, मेरी बात बटाएगा। सुनो, मैं उसको 2 लाख रुपए गाड़ी ला के देता हूँ, क्या पता कल को वो गाड़ी भी क्या है। उसने एक एक, एक दो, 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 दो हजार रुपए का वो पता नहीं लगने देता है, तो क्या करेगा वो? गाड़ी का तो कुछ भी नहीं है। फिर उसको लाओ, मैं 2 लाख की गाड़ी ला के देता हूँ, फिर डेली उसके लिए 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए। और एक बात बताओ, आज उसका बर्थडे है, मैं उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लिया, क्या बुरा कर दिया मैंने उसके लिए? और उसको देखो, कभी उसने मुझसे कोई डिमांड करी? नहीं करी। अरे मैं अपनी खुशी से लेके आया हूँ उसके लिए। जब उसने बताया, पापा मेरा फोन खराब हो रहा है, इसके लिए मुझे वो फोन चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो मैं उसके पढ़ाई के लिए लाया हूँ। और उसका क्या है, मुझसे अगर वो कॉलेज भी जाती है ना माही, तो मात्र 50 रुपये लेके जाती है, बस से आना जाना होता है उसका। वो जानती है उसका पापा कैसे कमा के लाता है पैसे। अरे लड़कियों का इतना वो नहीं होता, लड़के हैं, जवान बच्चा है, 4 बच्चों में बैठता उठता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता ही है, ऐसा नहीं है? अच्छा, मुझे मत सिखाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हाँ, मुझसे ना अपने बेटे को लेके जवान जोरी मत क्या करो। जाओ, एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उसके लिए फोन क्या ले आया? सर उठा लिया। अरे माही, फोन ये तो मार्केट में नया लॉन्च हुआ है ना? हाँ, पर छोड़ मेरा फोन, डैडी ने दिया है मुझे। डैडी ने तुझे फोन दिया ये? हाँ, और ये गंदी निगाह डाल मत दियो इस पे, ठीक है ना? हाँ, तुझे तो शर्म रही नहीं, आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, इसका मतलब पापा ने तुझे फोन दिला दिया? और क्या,
मुझे तो पता ही थी मेरे लिए कुछ नहीं आएगा इस घर में, लेकिन तेरे लिए हर चीज मौजूद है। तो ऐसे लाके थोड़ी ना दिया, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, मेरी क्लासेस चलती है। मुझे सब पता है, तेरी क्लासेस चलती रात को 11-12 बजे तक, जब तू रील देखती है ना और चैटिंग करती रहती है, सब पता है मुझे। हाँ, तू ही तो आके देखता है मेरे कमरे में, तू तो आके देखता है मेरे कमरे में। तू चुप रहकर बता रहा हूँ, चुप रहकर। आज मेरा बर्थडे, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे मुझे मिस करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे तो याद है। तू तो तुझे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, दफा हो जा जल्दी। ब्लैक डे। इतना बदतमीज है, नालायक इंसान। और क्या नालायक क्या होता है, सही है। अभी ना पापा को फोन कर दूंगी मैं। पापा को कर दो, जोकर को फोन। हाँ, तुझे वाकई, तूने ना शर्म अपनी झंडी पर टांग दी उतार के। अरे तू चुप रहकर मेरा दिमाग मत खा, मैं बता रहा हूँ तुझे, समझ में आया तुझे? और सुन, आज तू इस बात का फैसला होकर के ही रहेगा कि इस घर में सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं पापा। अगर वो तुझे चाहते होंगे तो तू रहेगी, और अगर मुझे चाहते हैं तो मैं रहूंगा इस घर में से। तुझ में से, मुझ में से आज कोई एक ना एक निकलेगा इस घर से। बागले, तू ही निकलेगा इधर से, घर से। अच्छा आजमाऊंगा भाई, तेरे दांत में गोली मार दूंगा। बदतमीज़, तू निकलेगा आज, तू ही इस घर से निकलेगा। और देख, और पापा को ना उल्टी सीधी बना के बातें और बताऊंगी मैं। अच्छा, अब तुझे ही निकलवाऊंगी। पिछले जन्म में क्या तू चुगलखोर थी क्या, है? आज भी चुगलखोर पैदा हुई है। नागत आके 24 घंटे डसता रहता है। ना यार, यहाँ से मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। इधर से बताऊंगा अभी तुझे। मुंह बंद कर ले, चलता फाओ। मॉम। अरे रवि, क्या हुआ? अरे चुप, आज तो मुझे पक्का विश्वास ही हो गया कि मैं अनाथ आश्रम से ही तुम मुझे लेकर के आई हो। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा, तुझे क्या हो गया? मैं बात ठीक कर रहा हूँ माँ। हाँ, और तो और उसके लिए 40-50 हजार रुपए का फोन और मेरे लिए बाइक भी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया माँ, यही तो देखा जाता है। अरे अरे मत करो मुझसे, और वो बड़ा बुड्ढा। हाँ, वो मुझे वो कहानी सुना रहा, सब पता है। अरे पुराना स्कूटर, दसियों सालों से, पुरखों के जमानों से वो स्कूटर को चला रहे हैं। अरे बेइज्जती होती है ऐसे बाप को बाप कहने में। उन्हें शर्म नहीं आती तेरे पिताजी हैं वो। अरे चुप करो माँ, पिताजी मैं तब कहूंगा और तब मानूंगा जब वो मेरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, और अब तो मैं बिल्कुल उनको पिताजी कहूंगा नहीं, और मैं बोलना ही बंद कर दूंगा आज से। बस रवि, मेरी बात तो सुन माँ, चुप करो तुम। और ना वो तुमने सबसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखी है, और सिर्फ इसी बात का कारण कि आज उसके हाथ में 40-50 हजार रुपए का फोन है ना, सिर्फ इसी। अगर आप मेरे बारे में अगर बोलती पिताजी को, तो क्या 40-50 हजार रुपए में एक बाइक नहीं निकल के आ सकती थी? और तो और मुझे 10 हजार रुपए की जरूरत है। अब वो भी मुझे अपने दोस्तों से उधार मांगने पड़ेंगे माँ, वो भी उधार मांगूंगा मैं। अच्छा तू ज्यादा गुस्सा मत हो, मैं दे दूंगी तुझे। अब दे दोगी? हाँ दे दूंगी, मुझे विश्वास ही नहीं होता माँ। आप हर बारी ऐसे कहती हो, आपने गाड़ी तक तो दिलवाई नहीं, आप बना 10 हजार रुपए दे सकती हो? बिल्कुल नहीं। रवि तुझे ये क्या हो गया, तू कैसे? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, हुआ तुम्हें है, क्योंकि तुम मुझे अनाथ आश्रम से लेकर के आई हो, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जैसे डोल रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी, कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ, और एक वो है तुम्हारी लाडली, उसके लिए हर चीज मौजूद है इस घर में, अब हर चीज मौजूद है। बेटा कैसी बातें कर रहा है, वो एक लड़की है, कल को पराए घर जाएगी वो, और जो भी कुछ यहाँ है सब तेरा ही तो है। अरे कुछ नहीं है माँ, मेरा कुछ नहीं है। और हाँ सुनो, मैं भी नहीं रहूंगा इस फटोली घर में, इस घर में मुझे नहीं रहना माँ। कैसी मैं तो एक अच्छा अपना आलिशान बंगला खरीदूंगा, उसमें रहूंगा बढ़िया तरीके से, स्टैंडर्ड बन के नौकर लगाऊंगा अपने पास, समझ रही हो? गाड़ी होंगी, लग्जरियां, आपकी तरह नहीं रहूंगा। और आप जिस तरीके से बोलती हो ना, एक दिन बन तो जाने दो मुझे, आप अगर जिस चीज पे हाथ रख दोगी ना, वो चीज तो मैं ऐसे ऐसे दूंगा तुम्हें। अच्छा एक बात बता, वैसे तुझे 10 हजार रुपए की जरूरत किस लिए है? क्या करेगा 10 हजार रुपए का? अब सुन ही लो माँ, 10 हजार रुपए की जरूरत इसलिए है, कॉलेज के सारे दोस्त जा रहे हैं मेरे साथ के, क्या मैं वहां पर भी ना जाऊं, इस घर में रहूं, इस घर में चीखूं चिल्लाऊं कुछ, और मेरी जुबान से कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगा किसी को वो मुझे पागल समझेंगे, पापा डांटेंगे, और आप कुछ कहती नहीं है। तो ऐसे घर से कम से कम कुछ दिनों के लिए अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो माइंड फ्रेश तो हो जाएगा मेरा। अच्छा चल, तू परेशान मत हो, मैं कर दूंगी, ठीक है? सच बोल रही हो ना? हाँ, मैं तेरे के ये भी झूठ बोल रही हूँ, शायद तुम अभी बता दो, क्योंकि फिर मैं तुमसे कोई उम्मीद ही ना रखूं कि तुम 10 हजार रुपए भी ना दे पाओ। हाँ रहने दो, तुम दे नहीं पाओगी, खामोखा मैं तुमसे कहूंगा, मेरा दिमाग खराब। अच्छा, हो जाएगा माँ, तो शांत हो जा, मैं तुझे अभी ला के दे रही हूँ, ठीक है? अब तो ठंडा हो जा। अभी ला के दे रही हूँ, पक्का? मैं दो मिनट रुक, तो लेके आओ, कहीं कोई चुड़ैल ना देख ले घर में। लो लाऊंगा। अरे माँ, तू तो मेरी जीनियस माँ है माँ, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच में, सच बता रहा हूँ।
क्या है? पैसे माँ तुमने दिए हैं इसको? हाँ मैंने दिए हैं। क्यों? कोई काम है उसे इसलिए। दिखा तो देख कितने हैं। भिखारी पहले आज। अरे ये 10,000 रुपए मैं अपने पिकनिक के लिए लेके जा रहा हूँ। 10,000 रुपए आपने दिए इसको? हाँ मैंने दिए, तू इन्हें पॉकेट में रख। और मैं किसी काम के लिए मांगती हूँ तो आप बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, अपने पिता से ले ले। अरे तो बेटा उसे कोई काम है जो अपनी। इसे क्या काम होगा? जहर खाऊंगा इन पैसों का, मरूंगा। मर जाना रवि तू। अरे माँ आप भी मेरे लिए पैसे नहीं होते। चल तू भी अंदर चल। राधा राधा, अरे कहाँ हो? मैं तो यही हूँ, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, एक काम करो बच्चों को बुला लो, ठीक है? माइन से बोल दो और तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी। आज ना हम कहीं बाहर चलते हैं, बाहर डिनर करेंगे। अरे रहने दो ना, क्या करेंगे, मैं यही बना दूंगी जो भी आपको खाना है। बना दोगी? अरे कैसी बातें कर रही हो आज तो, मतलब कुछ, मतलब मुझे कुछ करने का मन आया है मेरा है? आज तुम लोगों के लिए घुमाने का दिल आया है तो, मतलब आज मना कर रहे हो तुम? नहीं, फिर बोलती हो कि तुम नाराज रहते हो। नाराज नहीं, मैं ये सोच रही हूँ वे फालतू में बाहर खर्चा करेंगे, इससे बढ़िया तो ये ऐसा ना, है कुछ खर्चे अच्छा की, बना ऐसा है खर्चे की चिंता तुम मत करो, तुम जानती तो समझे। बच्चों को बुला लो और चलते हैं। माही बेटा, माही बेटा। हाँ डैडी। हाँ आ गए आप? हाँ बेटा एक काम करो, हाँ? तुम जल्दी कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? और हाँ अपने नालायक भाई से भी बोल देना, वो भी रेडी हो जाएगा। आज हम रात को डिनर बाहर करेंगे। भाई से? हाँ भाई तो है ही नहीं इधर। भाई कहाँ चला गया? आ गया दोपहर को ही। अरे सुनो सुनो, वो मैं आपको बताना भूल गई, रवि जो है बाहर गया है। और तो और मैं बताती हूँ मम्मा, मैं बता रही हूँ ना। और तो और पता है मम्मा ने इनको 10,000 रुपए भी दिए हैं। क्या? मेरे लिए 50 रुपए भी नहीं निकलते इनके पास। 10,000 रुपए? जी। अरे मतलब... वो सुनो तो सही, मतलब वो पिकनिक पे जा रहा था, मतलब उसके जो है टूर जा रहा है स्कूल का कॉलेज का, तो वो भी बोल रहा था मम्मी सब जा रहे हैं, और मायूस हो रहा था। सब जा रहे हैं तो तुमने 10,000 रुपए निकाल के उसको दे दिए? अरे कल मैं ये मैं कहां से भरूंगा, तुम्हें पता है कहां से आएंगे पैसे मेरे पास? अरे वो मेरे पास कुछ पैसे मैंने जोड़ के रख रखे थे तो मैंने रवि को दे दिए। तुम इतनी भोली हो ना, एक बात बताओ, जो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ रखने के लिए देता हूँ ना, कई बुरे वक्त में कभी जरूरत होता है, कभी टाइम आ जाता है ऐसा कि हमें जरूरत है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, अब EMI कहां से भरूंगा? मैं तो यही सोच रहा था कि तुमसे वो पैसे लेके EMI भर दूंगा। तो मुझे पहले से पता होता तो मैं उसे नहीं देती ना, मुझे पता नहीं था कि कल आपको EMI। अरे तो 1-2 हजार की बात अलग होती है राधा, 10,000 रुपए तुमने तो उसको बिगाड़ ही दिया पूरा। और डैडी कोई काम के लिए नहीं, बस घूमने के लिए दिए हैं, घूमने गया है वो। अरे बस आपने इसको 40,000 का फोन दिला दिया, अगर उस लड़के को मैंने 10,000 रुपए दे भी दिए तो कौन सी बढ़िया बात होगी, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ उससे। बेटा रुको, 40,000 का उसको फोन ला दिया, क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई, वो पढ़ती है ना पूरे दिन घर में ही तो रहती, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लाडला कौन सा आंखों के सामने रहता है। तुमने 10,000 रुपए दे दिए उसको, तुमने देखा वो कहाँ खर्च करेगा, क्या अय्याशियां करेगा? बस लिए और पैसे निकाले, ले बेटा ले जा। तुम्हारा ये लाड प्यार ना, आज मैं ऑफिस से आया था जल्दी इसलिए, क्योंकि आज चलो कोई नहीं, मैं बच्चों को डांटता रहता हूँ तो मैं भी डांटता हूँ, चलो आज फ्रेश मूड में अपने बच्चों को ले जाऊंगा डिनर कराऊंगा। यहाँ तो आके अलग ही मालूम पड़ा कि हाँ हमारी जो देवी जी हैं वो अपने बेटे के लिए हमारे सारे पैसे लुटाए जा रही है, वाह। अरे उसने पहली बार तो बेचारा कहीं बाहर जाने के लिए उसने मुझसे बोला है। ये तुम्हारा बेचारा है ना, एक दिन बेचारा बिठा देगा हमारा बेचारा, तुम्हारा ये लाड प्यार ना किसी दिन लेट डूबेगा तुम्हारे उस बेटे को। माही तुम तैयार हो जाओ बेटा, ऐसा है हम तुम दोनों चलते हैं बाहर खाना खाएंगे। अरे लेकिन मैंने घर में जो खाना बनाया उसको तुम ही खा लो, और आ जाए तुम्हारा बेटा उसको रख देना, उसको वो खिला देना उसको। वो तो एक हफ्ते बाद आएगा रवि। ओहो अब साहब ज्यादा, मैं 2-3 दिन की बात तो अलग गई, एक हफ्ते में, वाह। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत जाए कोई पता ही नहीं है, हा? तुमने तो उसको ऐसे बोल दिया एक हफ्ते में आएगा, एक काम करना एक हफ्ते बाद ही खिला देना उसको वो खाना। राधा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं मानता हूँ तुम प्यार करती हो उसको, लेकिन इतना भी लाड प्यार मत करो ना कि औलाद बिगड़ जाए। हाँ हाँ मैं ही प्यार करती हूँ ना, और करूंगी भी क्यों ना, आप हमेशा उस पे जो इतने गर्मा गर्म रहते हो और फिर इसको तो इतना प्यार दिखाते हो, इसको एक कहने पर तुमने 40,000 का फोन ला के दे दिया। अरे कभी बेटे की भी जो एक वो देखना चाहिए, जवान बच्चा है कल को ऊंच नीच हो जाए, बेटा हाथ से चला जाए। माँ तो मेरी बात सुनिए, आप क्या बोल रही हैं? मैं क्या चुप करूं, मैं तेरे पापा से बात कर रही हूं ना। चीज ली थी माही, मम्मी बात कर रही है ना, मैं बात कर रहा हूँ ना मम्मी से, सॉरी। तुम जाओ अपना काम करो। जी डैडी।
पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा, पता है मेरे से कितना लड़ रहा था कि उसको फोन दिला दिया। मैं तो बीच में फंस जाती हूँ ना, अगर आप उसे 40,000 का फोन नहीं देते तो वो मुझसे 10,000 रुपए नहीं मांगता। अच्छा। बोल रहा था कि मुझे अनाथ आश्रम में से उठा के लाए हो, मुझे ये पता है मैं क्या क्या सुनती हूँ। अच्छा, तुमने ये जो जब ये बोल रहा था अनाथ आश्रम में से उठा के लाए, तुमने उसी समय मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, उसको अनाथ आश्रम से तो लेके आए हम, उसको लाखों की ये पढ़ाई, बचपन से उसकी देखभाल, इतने सारे महंगे महंगे उसको कपड़े दिलवाता हूँ, इतने महंगे महंगे उसको शौक करवा दिए, आज उसको एक शौक नहीं करवाया, तो इसलिए मैं बुरा हो गया? तुम्हारी नजरों में बुरा हो गया मैं? अरे वो बेटी है मेरी, वो आज पढ़ लेगी, कामयाब हो जाएगी, वो अपना जीवन अच्छे से सेटल कर लेगी, अरे मुझे इसी में खुशी है। अरे ये नालायक तो सोच कर रहा है, आज तुम्हें 10,000 रुपए 20,000 रुपए ऐसे दे देती हो। वो भी तो बेटा है हमारा। अरे बेटा है, मैं मना कब कर रहा हूँ? आप उससे अच्छे से बात करो, नहीं मैं भी ऐसे करूंगी तो वो क्या सोचेगा बताओ अपने मन में। राधा मेरी बात सुनो, तुम क्या समझती हो मैं उसे प्यार नहीं करता? अरे मैं उसे प्यार करता हूँ, क्यों? मैं उसे दिखाना नहीं चाहता, अगर मैंने उसको जिस दिन दिखा दिया ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो उसी दिन बिगड़ जाएगा। अरे मुझे भी चिंता है उसकी, लेकिन अगर मैं वो चिंता दिखाने लग गया ना तो वो सोचेगा नहीं कुछ करने से पहले। तुमसे भी देख रही हो तुम्हारे साथ क्या किया, आज तुम्हें धोखा देके चला गया, 10,000 रुपए लेके गया है। धोखा देके नहीं गया, उसने मुझे सच सच बताया था। और सुनो, वो फोन की वजह से इतना जो है वो भी हो रहा था, तो मन में ज्यादा विचार ना करे, मैंने तो इसलिए दे दी। अगर मुझे ये पता होता ना कि आपको कल ईएमआई भरनी है, तो कसम से मैं बिल्कुल भी उसे नहीं देती, मैं तो डेली सुनती रहती हूँ, एक दिन और सुन। अरे तो राधा 10,000 रुपए ही क्यों दिए, तुम 5 दे सकती थी, तुम 2 दे सकती थी, तुमने पूरा पैसा उसको दे दिया। ये बताओ मैं थोड़े से पैसे, अब ये 10,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से कौन दे देगा? बच्चा बाहर गया है, कल को क्या बात हो क्या ना हो, पैसा पास होना जरूरी है ना, घर से बाहर गया है, दूसरी जगह गया है, सिटी से बाहर गया है। अच्छा, तुम्हें पक्का पता है वो पिकनिक पे गया है? नहीं पिकनिक नहीं, कॉलेज के टूर पे गया है। ओह कॉलेज के टूर पे, महाराज अब जाएंगे ना अपने दोस्तों के साथ कॉलेज टूर पे, अय्याशियां कर रहे होंगे वहां पे। जाओ अपना काम करो। अच्छे खासे मोड़ के इस तरह से मार दी। माही माही, हाँ एक बात बता। बताए, मतलब जब तुझे तेरे डैडी ने 40,000 का फोन लाके दिया तब तो तू बड़ी खुश हो रही थी, और 10,000 रुपए मैंने तेरे भाई को दे दिए तो मतलब तुझे आग लग गई? तो क्या हुआ, अपने कॉलेज के टूर पे ही तो वो गया है। अरे मम्मी ये गलत फहमी में रहना बंद कर दे, वो अपने टूर पे नहीं गया, वो दोस्तों के साथ टूर बना रहा है अपना। हाँ, तुझे सब पता रहता है। मुझे सब पता रहता है, ऐसा तुम सबने मेरी जो है जिंदगी ऐसी कर रखी है, मैं तो किसी से इस घर में कुछ कह ही नहीं सकती, ठीक है क्या करूं मैं, मर जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, बस मैं ये कहती हूँ उसको समझा के रखा करो, वो बहुत बिगड़ रहा है। तू भी बहुत मेरी बात समझती है, जो वो समझ जाए, दोनों बाप बेटे मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हो तुम दोनों, है ना, जरा सा मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर दूं, वैसे तो वो मुझसे कभी, पता है उसने पहली बार उसने मुझे 15 साल में गले लगाया उसने मुझे, है ना, पर तुम क्या समझो, तुम क्या समझो, मैं पूरे दिन आपके साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ, वो मैं आपके सर पे कभी नहीं चढ़ूंगी माँ, मुझे पता है, ठीक है ना, बस आपको बेटा ही नजर आता है, मेरे पापा मेरे को देखते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और फिर तू अपने भाई से जलती क्यों है, ये बता दे मुझे तो। माँ मैं उससे जलती नहीं हूँ। तो तुझे अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी पापा के आगे के 10,000 रुपए? फालतू चीजों के लिए पैसे दिए तो क्यों ना मुंह खोलूं? अच्छा ये क्या कह रही है तू, किचन में मैं तुम्हारी हेल्प कराती, तू मुझे क्या हेल्प कराती है, मैं तुझे जबरदस्ती किचन में ले जाती हूँ कि बेटा कुछ सीख ले, देखती रह कैसे क्या होता है, पराए घर जाएगी तू, लड़की को जब तक क्या हुआ, कैसे डांट रहे तुम उसको? अरे मैं डांट नहीं रही हूँ, इसको समझा रही हूँ मैं। क्या समझा रही हो तुम? बोल रही है मुझसे किचन में काम करवाती है ये, किचन की बात नहीं है, पैसों की बात पे कि तूने अपने डैडी के सामने क्यों बोला। हाँ डैडी के सामने, कल को वो कुछ गलत काम करता रहे समझे, तुम उसकी तारीफ करते रहे हो, ये मेरी बेटी कुछ मुझे बोले ही ना, वाह मेरा घर लुटता रहे, मेरी बेटी कुछ बताए ही ना, पिताजी कुछ नहीं हुआ, वाह बहुत बढ़िया, तुमने मेरे बेटे को तो अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, इसको भी बिगाड़ना चाहती हो? अरे मैं बिगाड़ नहीं रही, इसे समझा रही हूँ, कल को अपनी ससुराल जाएगी, आज मुझसे जवान लड़ा रही है, कल को अपनी सास से कुछ ऊंच नीच बोल दी इसने, तो कितनी वो होगी, बदनामी होगी। मुझे भरोसा है इस पे, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पे, कभी भी अपने बाप का नाम डुबाएगी नहीं। और हाँ तुम क्या कह रही हो, इसकी शादी के लिए, शादी तो इसकी बहुत अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत से पढ़ रही है, कामयाब हो रही है। और हाँ तुम क्या कह रही हो पढ़ने की, ये भी पढ़ रही है, और इसका हस्बैंड भी पढ़ा लिखा ही ढूंढूंगा मैं, ऐसा नहीं ढूंढूंगा तुम्हारी तरह, समझे, दो अक्षर आते नहीं, ये कर लिया वो कर लिया, और ये आजकल का जमाना है राधा,
दोनों मियाँ बीवी ना मिलके पैसे कमाते हैं, मिलके वर्क करते हैं, तभी उनका घर परिवार चलता है। और ये हाँ तुम्हारी तरह नहीं है कि घर में बैठे चार रोटियां बना ली बस हो गया काम। पिताजी बस कर दें अब। अच्छा क्या बस कर दूं बेटा, इतना मत बोले माँ से। ठीक है मुझसे ही गलती हो गई, मैंने इसको कुछ कहा, ठीक है मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। तेरी माँ को ना कौन समझाए, इसको क्या पता कि रवि क्या करने जा रहा है। मैं यही तो समझाती हूँ माँ को कि उस पे ध्यान दे ले, वो बहुत बिगड़ रहा है बस। बेटा मैं ना ना मैं तुमसे खपा हूँ ना तुम्हारे भाई से, मुझे मालूम है तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। मैं बस केवल ये कहना चाहता हूँ कि वो बिगड़े नहीं, वो तेरी माँ मेरी बात समझती कहाँ है बेटा, मुझे मालूम है। ठीक है पिताजी मैं माँ को समझाने जाती हूँ, वो बहुत परेशान हो रही है। कोई बात नहीं तू मत समझा, अपने आप समझ जाएगी, मैं देख लूंगा तेरी माँ को। मैं जाती हूँ उनके पीछे, देखना बहुत परेशान है वो। ठीक है जा। माँ ठीक है आप? मम्मा क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो आप? हो गया मम्मा, की चिंता किसको है, किसी को नहीं है इस घर में। मेरी फिक्र किसी को है कि मुझ पे क्या बीतती है, तुम लोगों से मैं इतना सब कुछ सुनती रहती हूँ। मेरी ये गलती है ना, मैं तुम लोगों का भला सोचती हूँ। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके भले के बारे में सोचती हूँ। कल को देखो वो आएगा, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मैं इस घर में कब तक की हूँ, बस कुछ ही दिन की हूँ ना, बस एक साल दो साल तक की हूँ। हाँ? अरे मैं मानती हूँ कि थोड़ा वो बिगड़ गया है, लेकिन बच्चा हमेशा कभी डांट से नहीं सुधरता। बच्चे के लिए एक मतलब एक दोस्त की तरह बच्चे को समझाना पड़ता है। अगर हम आज उसके लिए समझूंगी मैं, तभी तो एक दिन वो मुझे समझेगा। वरना मैं भी कि वो मुझसे अकड़ से बात कर रहा है, मैं भी उससे अकड़ से बात करूँ तो घर छोड़ के चला गया तो क्या करूंगी मैं, बता। मम्मा परेशान मत हो, आपको पता है पापा भी बहुत प्यार करते हैं उससे। अरे बस बस रहने दे, कोई प्यार नहीं करता उसको, इसीलिए नहीं जताते कि वो और ना बिगड़ जाए। अरे तू उनकी वकालत मत कर मुझसे, अगर उससे प्यार करते ना, जैसे तुझे फोन ला के दिया उसको भी एक गाड़ी दुलवा देते तो क्या हो जाता। माँ अगर गाड़ी की बात है तो वो और दोस्तों की गाड़ियों पे घूमता तो है, चलो नई भी दिलाई, एक साल में ले लेगा, छह महीने में ले लेगा, क्या हो गया, वो गाड़ी लेने से और बिगड़ जाएगा। माँ मुझे सबकी पता रहती है कि सब बिगड़ जाएगा कि कैसे हो जाएगा। तेरा भाई एक बात बता, तुम दोनों बहन भाइयों में क्यों नहीं बनती, मुझे ये बता दे। आपको क्या लगता है मैं उससे प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती। तो तू ये कहती पापा भैया को भी एक गाड़ी दुलवा दो, चलो उसने 2 लाख की बोली, 2 लाख की नहीं तो 1 लाख की दुला देते उसे, उस बच्चे का मन तो बहल जाता है। जन्म कर्म में मैंने उसे 10,000 रुपए दे दिए तो कौन सी वो आफत आ गई। माँ मैं सच बोल रही हूँ। और तूने भी अपने पापा के सामने, अरे मैं अपने हिसाब से उनको बताती, तूने भी अच्छा खासा वो ऑफिस से आए और आते ही उनको टेंशन दे दी। माँ सिर्फ मैंने इसीलिए बोला है कि वो वहाँ नहीं गया जहाँ आप सोच रही हो, वो हमें उल्लू बना के गया है सबको। तू चुप रह, मैं अब तुम लोगों से कुछ कहना ही छोड़ दूंगी, जिसके मन में जो आए तुम सब वो करो, बस मेरा तो बस ये काम है। तूने मुझे ऑर्डर दे दिया मम्मी चाय बना दो, रवि ने ऑर्डर दे दिया खाना बना दो, तेरे पिताजी आके मुझ पे बरसते हैं, तो मुझे मेरी पता चल गई कि मेरी क्या कदर है इस घर में। माँ ऐसा मत सोचो, इतना दिल छोटा मत करो। पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना मैं, तुम जैसे के लिए तुम लोग मुझ पे ही सब हावी होते हो। माँ इतना गलत क्यों सोच रही हो, पिताजी आपसे कितना प्यार करते हैं पता है? कोई प्यार नहीं करता मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है, ये घर आपकी वजह से ही चल रहा है, बस बोल देते हैं आपको। अच्छा मम्मी चलो छोड़ो, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। उठो मम्मी, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाऊंगी, चलो अपने रूम में।